रहमतुल्लाहि वरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में गाजर का हलवा। तो इसकी एक इजी रेसिपी बताती हूँ मैं आपको। इसमें सिर्फ कम से कम आइटम लगेंगे, हम इसमें शक्कर का भी यूज़ नहीं करेंगे, घी का भी नहीं, बिल्कुल। ये अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ इसलिए ज़्यादा ध्यान देती हूँ कैलोरी का, इसका इसलिए मैंने शक्कर का भी यूज़ नहीं किया इसमें। देखिए शुरू करते हैं। ये देखिए ये कुकर लिया है मैंने, इसमें कुछ भी नहीं डाला है, घी नहीं, ड्राई कुकर है ये, ठीक है। इसमें हम ये 2 किलो गाजर है इसको किस के रखा हुआ है इसको डाल देंगे कुकर में। फिर हमने डाल दिया है और ये फुल फैट मिल्क लिया है मैंने आधा लीटर। देखिए फुल फैट मिल्क है ये। ये हम डाल देंगे इस पे कुकर में। इसमें खोए की भी ज़रूरत नहीं है और ये मिल्क खोए का काम करेगा, एकदम बहुत टेस्टी हलवा बनेगा इससे, ठीक है। और ये 12 से 15 काजू हैं, इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी। ये 10 से 12 काजू इसमें डाल दिए मैंने और ये शक्कर की जगह इसमें हम मिश्री ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 1 कप मिश्री डाली है मैंने, देखिए मिश्री, ये थोड़ी सी और डाल देंगे आधा कप। अब हम ढक्कन बंद करके 1 सीटी ले लेंगे, सिर्फ 1 सीटी। तो आइए हम देखते हैं कुकर खोल के, 1 सीटी हमारी हो चुकी है, हमने गैस बंद कर दिया है, ठंडा होने का इसको निकाल लेंगे प्रेशर। तो गाइस कौन कौन वेट कर रहा है 10 मिनट वाले हलवे का, चलिए प्रेशर खुल गया है, इंतज़ार खत्म हुआ। देखिए आ गई थी थोड़ी सी, तो मुझे कैमरा पोछना पड़ा। देखिए कितना प्यारा नेचुरल कलर आया, इसमें कुछ कलर ऐड नहीं किया है हमने, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 चीज़ों से कितना टेस्टी गाजर का हलवा बनेगा, आप ज़रूर ट्राई करना। अब इसको हम गैस ऑन कर देते हैं और फुल फ्लेम पे इसका पानी सुखाएंगे 5 मिनट तक। और ये 4-5 इलायची का मैंने पाउडर बना के रखा है, इसको भी डाल देंगे इसमें हम। गाइस देखिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारा पूरा पानी ड्राई हो चुका है दूध, और बहुत एकदम सोंधी सोंधी स्मेल आ रही है दूध की वजह से, बहुत खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी, इलायची का भी फ्लेवर आ रहा है। ये पूरा ड्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे, गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए बारीक बारीक खोए के टाइप में आया है दूध का, कितना अच्छा। और अगर आपके पास फुल फैट मिल्क नहीं है तो आप इसमें 2-3 चम्मच मलाई भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से प्लेटिंग के लिए मैंने काजू रखा था काट के, ये डाल देंगे। और अगर दूसरा ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये गाजर के हलवे में सिर्फ काजू अच्छा लगता है, थोड़ा सा पिस्ता डाल सकते हैं आप इसमें ऊपर से, जो डाल रहा है मैं थोड़ा सा। तो गाइस ये 10-15 मिनट में हमारा गाजर का हलवा रेडी है, तो आप ट्राई ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, और ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट्स में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।